नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के कारोबारी सज्जन नरेड़ी के ठिकानों पर आयकर का छापा। टिप्पी असल समूह के माइनिंग घोटाले के सिलसिले में हो रही कार्रवाई। नरेड़ी के आवास कार्यालय व ठाकुरानी माइंस के ऑफिस में की जाँच। नरेड़ी परिवार के ओडिशा और रांची के भी ठिकानों पर हुई छापामारी। जमशेदपुर प्रखंड में दूसरे दिन 15 पंचायतों के हुई मतगणना। जिला परिषद के क्षेत्र 6 से कुसुमपूर्ति, 7 से पंकज सिन्हा जीते। प्रखंड की 15 पंचायतों के मुखिया पद के विजेता भी हुए घोषित। विजेता प्रत्याशियों व समर्थकों ने अबीर गुलाल व ढोल नगाड़े के साथ मनाई खुशी। और चक्करधरपुर में पत्रकार सुदाम प्रधान व उनके मित्र को अज्ञात ट्रक ने रौंदा। मित्र काशी साहू की तत्काल हुई मौत। सुदाम ने अस्पताल में तोड़ा दम। गुस्साए स्थानीय लोगों ने चाईबासा रांची मार्ग जाम कर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक व प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने घटना पर जताया शोक। आइए बात करते जमशेदपुर के कारोबारी सज्जन नरेड़ी के ठिकानों पर आयकर की छापामारी की। चाईबासा की टिप्पी असल से जुड़े अवैध खनन मामले को लेकर आयकर विभाग ने बुधवार को जमशेदपुर के कारोबारी सज्जन नरेड़ी के ठिकानों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। आयकर अधिकारियों ने बुधवार को सज्जन नरेड़ी के जमशेदपुर के अलावा रांची व कोलकाता की ठिकानों पर भी पहुंचकर जांच शुरू की। बता दें कि अवैध खनन को लेकर आयकर विभाग की चल रही कार्रवाई के तहत विभागीय अधिकारियों ने बुधवार को जमशेदपुर के बड़े कारोबारी सज्जन नरेड़ी के 3 ठिकानों पर कार्रवाई की। आयकर अधिकारियों ने बुधवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर क्षेत्र स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज गेट के सामने स्थित सज्जन नरेड़ी के आवास, बिष्टुपुर वृद्धि निवास स्थित उनके कार्यालय एवं मानगो स्थित ठाकुरानी माइंस के कार्यालय में एक साथ पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार जांच कर रही टीम में रांची के साथ ही कोलकाता से आए अधिकारी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि टीपीएसएल के माइंस घोटाले को लेकर जारी कार्रवाई के तहत ये छापेमारी की गई है। हालांकि आयकर अधिकारियों ने इस संबंध में कुछ भी बताने से मना कर दिया। जानकारी के अनुसार सज्जन नरेड़ी पश्चिमी चाईबासा से संचालित होने वाले टीपीएसएल समूह में भी पार्टनर थे। उन्होंने भी इस समूह में निवेश किया है। इसके अलावा सज्जन नरेड़ी के ठाकुरानी माइंस में भी निवेश का पता चला है। इन सारे निवेशों में उनके साथ उनके बेटे भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार टीपीएसएल समूह के चाईबासा स्थित ठिकानों पर भी आयकर की कार्रवाई चल रही है। टीपीएसएल मुख्य रूप से लौह अयस्क के कारोबार से जुड़ा है, जिसका मुख्यालय चाईबासा में है। आइए बात करते जमशेदपुर प्रखंड में 15 पंचायत चुनाव की हुई मतगणना की। जमशेदपुर के गोलमोरी सह जुगसलाई प्रखंड के पंचायत चुनाव की मतगणना के दूसरे दिन कुल 15 पंचायत क्षेत्रों के मतों की गणना हुई। इसके तहत जिला परिषद के 6 नंबर निर्वाचन क्षेत्र से कुसुमपूर्ति एवं 7 नंबर निर्वाचन क्षेत्र से पंकज सिन्हा निर्वाचित घोषित हुए। चुनाव की मंगलवार से शुरू हुई मतगणना के दूसरे दिन बुधवार को 15 पंचायत क्षेत्रों के मतों की गणना हुई, जिनमें जिला परिषद उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता राजकुमार सिंह के समर्थित उम्मीदवार कुसुमपूर्ति ने जीत दर्ज कर ली है। जमशेदपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 में उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सोमा देवी को पराजित किया। कुसुमपूर्ति ने सोमा देवी को कुल 2100 वोट से पराजित किया। बता दें कि इस क्षेत्र से राजकुमार सिंह जिला परिषद का चुनाव लड़ते रहे थे एवं वहीं से वे जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी बने थे। क्षेत्र के कट्टावर भाजपा नेता होने के बाद भी उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य की जगह कुसुमपूर्ति को समर्थन देके प्रत्याशी बनवाया। वे चाहते तो अपना पद छोड़कर दोबारा चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कुसुमपूर्ति को चुनाव लड़ाया। यही नहीं, जमशेदपुर के जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 पर अपने करीबी भाजपा नेता पंकज सिन्हा को चुनाव लड़वाया और वे भी चुनाव जीत गए। इसके अतिरिक्त आज की मतगणना में 15 पंचायत क्षेत्रों की हुई मतगणना में भी विजेता मुखिया प्रत्याशियों के भी नाम घोषित किए गए। प्रत्याशी जो है अपना मेहनत के बल पर जीता है,
और प्रत्याशी शुरू से पब्लिक सेवा में रहा है और आने वाले दिन में फिर पब्लिक के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में रहेगा। जनता जनार्दन को बहुत धन्यवाद। यहाँ जात पात बहुत सारे जगह पर क्लेम लगाने का काम किया गया, यहाँ तक कि मैंने क्षेत्र दान करने का काम किया गया प्रत्याशियों द्वारा, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जनता ने हम पर विश्वास जताया और हमारे प्रत्याशी पर विश्वास जताया और हमको ऐतिहासिक तौर से जिताने का काम किया। अभी जल्दबाजी होगा, अभी हम लोग बैठ के बात करेंगे हमारे लोग कितने जीत के आएंगे, क्या करेंगे उस पर उसके बाद। और बहुत से लोग मेरे करीबी से करीबी लोग जो है मुझे हराने के लिए हर प्रयास किए हैं, हर कोशिश किए हैं, और यहाँ तक कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे बहुत सारे लालछन लगाया गया है। मैं उन सब वो जनता उन सबका जवाब दी है। एक लड़की पे किस प्रकार के लालछन लगाए जा सकते हैं ये मैं बयान नहीं कर सकती, मगर आप लोग जानकार है या आप जानते हैं इस प्रकार का मुझे लालछन भी लगाया गया था। और उस सबसे हम लोग जनता मुझे चुनी है और जनता के लिए मैं काम करूंगी, आगे भी मैं जनता से जुड़ी रहूंगी और जो भी हमारे पंचायत के जो क्षेत्र में काम बचे हुए जो है नकली शराब का जो कारोबार चलता है वह और मेरी पूरी टीम उसे पूरी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे जड़ से उखाड़ के फेंके, क्योंकि यही हमारा एक चुनाव के समय में इतना कोशिश किए हर घर में लड़कों को छोटे छोटे बच्चों को शराब पिला पिला के लोग जो है वोट करने में और परेशान किया गया है। और जो हमारे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, वो शराब पी के ना जाने घर और पता नहीं पंचायत में बहुत सारे जो टांडा हुए हैं उन सबको रोकूंगी मैं। जनता का जीत है, मैं तो एक माध्यम था उस क्षेत्र में सामाजिक काम करता हूँ और पूरा क्षेत्र का अपार प्यार हमको मिला और मैं जनता को अपना जीत समर्पित करता हूँ। प्यार करेगी जिसे चाहेगी उसको चुनाव जिताएगी, कितने भी बड़े धनवान लोग आएंगे अगर समाज में काम नहीं करेंगे तो उसको उखाड़ सकेगा जनता। जो भी प्राथमिकता होगी मैं मिलजुल कर बैठ के बात करूंगा, उसके बाद जो भी क्षेत्र का काम होगा सभी लोग के साथ मैं जीत के श्रेय तो जनता को भी देता हूँ और हमारे खासकर मेरे बड़े भैया हैं, मैं राजकुमार जी ये मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे बड़े भाई हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में चलता हूँ, आगे भी चलूंगा। अब बात करते हैं चक्रधरपुर के पत्रकार सुदाम प्रधान व उनके मित्र की ट्रक के धक्के से हुई मौत की। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर में बुधवार सुबह चाईबासा रांची मुख्य मार्ग पर मॉर्निंग वॉक पर निकले पत्रकार सुदाम प्रधान और उनके करीबी मित्र काशी साहू को अज्ञात ट्रक द्वारा धक्का मार दिए जाने से काशी साहू की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सुदाम प्रधान को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी भी मौत हो गई। चक्रधरपुर के पत्रकार सुदाम प्रधान बुधवार सुबह अपने करीबी मित्र काशी साहू के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान चाईबासा चक्रधरपुर मुख्य मार्ग पर किसी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें धक्का मार कर फरार हो गया। इस दुर्घटना में काशी साहू की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी सुदाम प्रधान को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान सुदाम ने भी दम तोड़ दिया। सुदाम प्रधान के ऐसे दुखद घटना में निधन से पत्रकारों में शोक की लहर है। उधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और दोषी वाहन चालक की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग करने लगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदाम प्रधान के दुखद निधन पर शोक प्रकट किया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी इस पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मधु कोड़ा ने इस घटना को साजिश बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच करने के लिए मांग की। वहीं विधायक सुखराम उराव, पूर्व विधायक शशि भूषण सामट, रामलाल मुंडा, दिनेश सेन सहित काफी अन्य लोग भी धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं सांसद गीता कोड़ा ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। वहीं प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने भी सुदाम प्रधान के दुखद निधन पर गहरा शोक जताया है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल व अन्य सदस्यों ने भी सुदाम प्रधान के असामयिक निधन पर शोक जताते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आइए बात करते हैं बहू पर मारपीट का आरोप लगा सिटी एसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची महिला की। जमशेदपुर के भालूबासा हजन बस्ती निवासी महिला भारती मुखी ने अपनी बहू पिंकी मुखी एवं उसके घर वालों द्वारा अपनी बेटी पर हमला कर जख्मी करने का आरोप लगाते हुए सिटी एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। भारती ने आरोप लगाया कि बहू व उसके मायके वाले घर पर कब्जा करने के लिए उन्हें मार देना चाहते हैं। जमशेदपुर के भालूबासा हरिजन बस्ती निवासी गरीब हरिजन महिला भारती मुखी ने बुधवार को अपनी जख्मी बेटी को लेकर सिटी एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। भारती मुखी ने आरोप लगाया कि बहू पिंकी मुखी एवं उसके परिजन उनके घर पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए वे उन्हें मारना चाहते हैं।
भारती ने बताया कि उसका परिवार विगत 50-60 वर्षों से भालूवासा में घर बनाकर रह रहा है। उसके बेटे प्रताप मुखी ने 24 साल पूर्व पड़ोस की लड़की पिंकी से प्रेम विवाह किया था, लेकिन पिंकी ज्यादातर मायके में ही रहती है। यही नहीं, शुरू से ही वो छोटी छोटी बातों पर झूठे मामले में फंसा कर जेल भिजवाने की धमकी देती रहती है। अब वो उन्हें घर से निकाल कर जमीन कब्जा करना चाहती है। इसी के तहत पिंकी व उसके परिवार वालों ने उसकी बेटी संतोषी पर जानलेवा हमला कर उसका सर फोड़ दिया है। भारती ने सिटी एसपी से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। ये मामला है कि मेरा संपत्ति है, मैं किसी को भी दे सकता, बेटी को भी दे सकता, बेटा को भी दे सकता, बेटी को भी जन्म दिए हैं, बेटा को भी जन्म दिए, बेटी को एक घर दे दिया, बेटा को एक घर दे दिया, एक घर अपने रहते तो उनका बीवी बोलने लगता है कि पूरा घर मेरा नाम से लिख दो, अगर नहीं लिखेगा तो तुमको जान से मार देंगे तेरा पति को। मेरा बहू पिंकी। क्या नाम है आपको? मेरा भारती मुखी नाम है। कहाँ रहती है? भालूवासा हरजन बस्ती स्लेक रोड। वहीं भारती की जख्मी बेटी संतोषी ने भी अपनी भाभी पिंकी व उसके परिवार वालों पर मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया। मामला ये है कि मेरा माँ घर दिया हुआ था, ठीक है, तो बोलता है भाभी की घर में तुम लोगों को रहना नहीं है, वो सब मेरा है बोल रहे हैं, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि ये जब घर मेरा माँ बनाया था उस टाइम मेरा माँ बोला था कि भाई बहन मिलके तुम लोग मदद करना, तो हम आए हैं स्पीकर पर, जो हमको पूरा उसका परिवार लोग, मेरा भाभी का जो परिवार लोगों ने है ना उसका सब हम लोगों को मारा है, भाई को भी मारता है लोगों, सब परिवार वो लोगों को मारता है, भाई को भी मारता है, मेरे को भी मारता है, और बोलता है घर से निकलो। पिंकी मुखी मारता है, मिश्री मुखी मारता है, तेरू मुखी मारता है, संतोष मुखी मारता है, नंदनी मुखी मारता है। अब बात करते चांडिल के कपाली गांव में आयोजित गुस्साई राय ग्राम पूजा की। सरायकेला जिला के कपाली गाँव के ग्रामीणों ने बुधवार को जाहिरा थान में गुस्साई राय ग्राम पूजा आयोजित की। गांव की सुख शांति व अच्छी फसल के लिए हर साल होने वाली इस पूजा में सारे ग्रामीणों ने शिरकत की। ग्रामीणों ने इस दौरान ग्राम देवता की पूजा अर्चना कर उनसे गांव की खुशहाली व फसल अच्छी होने का वरदान मांगा। बताते चले कि कपाली गांव के निवासी गांव की सुख शांति व खेतों में अच्छी पैदावार के लिए हर साल गुसाई राय ग्राम पूजा का आयोजन करते हैं। इसी के तहत ग्रामीणों ने बुधवार को गुसाई राय ग्राम पूजा का आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव के स्त्री पुरुष बच्चे सभी शामिल हुए। ग्रामीणों ने जारिया थान में पारंपरिक रीति रिवाज एवं विधि विधान के साथ अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना की एवं इष्ट देव को खुश करने के लिए मुर्गे की बलि देकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। पूजा के पश्चात सभी ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया। ग्रामीणों की मान्यता है कि अगर भगवान खुश होंगे तो खेती में अच्छी पैदावार होगी। ग्रामीणों ने जारिया थान में एकत्र होकर अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना व ग्रामीणों की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। कई लोगों ने अपनी मन्नत पूरी होने पर खस्सी की बलि भी दी। पुजारी पीयूष महतो ने बताया कि इस पूजा के बाद ही गांव में खेती शुरू होती है। सरायकेला खरसावां जिले के कई गांव में ग्राम पूजा काफी उत्साह पूर्वक मनाई जाती है। आज हमारे यहाँ ग्राम पूजा हो रहा है, जो वार्षिक हर साल किया जाता है, ज्येष्ठ महीना में कोई एक डेट फिक्स करके हम लोग करते हैं ये पूजा। ये पूजा गांव के लिए भलाई के लिए किया जाता है, और ये पूजा के बाद जो है हम लोग गांव के सभी फसल लगाते हैं, और फसल अच्छा होने के लिए फिर गांव का सुख शांति के लिए ये पूजा हर साल करते हैं, और इस पूजा में गांव के सभी लोग हिस्सा लेते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं और सब सुख शांति का करते हैं। पुराना हम लोग का रीति रिवाज चला आ रहा है कि पूजा के बाद जो भी किसी का मन्नत रहता है, जिसमें बलि चढ़ाया जाता है, मुर्गा या खस्सी का बलि चढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं जमशेदपुर आबकारी विभाग द्वारा बिरसा नगर में 2 शराब भट्टियां ध्वस्त किए जाने की। जमशेदपुर आबकारी विभाग ने बिरसा नगर थाना क्षेत्र के दुखुडी एवं नूतनडी नाला किनारे छापामारी कर वहां चल रही 2 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। आबकारी अधिकारियों ने वहां से करीब 240 लीटर तैयार अवैध महुआ शराब एवं 10,000 किलो जवा महुआ भी बरामद किया है। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम में जारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के मद्देनजर आबकारी विभाग की ओर से अभी नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत आबकारी अधिकारियों ने जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत दुखुडी एवं
नूतन डी नाला किनारे छापा मारी कर वहां चल रही दो अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। आबकारी अधिकारियों को जांच के क्रम में वहां से करीब 240 लीटर तैयार अवैध महुआ शराब बरामद हुई, जबकि वहां शराब बनाने के लिए रखा गया करीब 10,000 किलो जावा महुआ भी बरामद किया गया। आबकारी अधिकारियों ने जावा महुआ को वहीं नष्ट कर दिया, जबकि तैयार शराब जब्त कर ली गई। हालांकि किसी भी स्थान से भट्टी संचालक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आबकारी अधिकारियों ने दोनों ही फरार भट्टी संचालकों के विरुद्ध फरारी के अभियोग में मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की है। अब बात करते यूपीएससी में सफल सुमित ठाकुर का आदित्यपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत की। यूपीएससी 2021 की परीक्षा में 263वां रैंक लाने वाले आदित्यपुर दो निवासी सुमित ठाकुर का अपने आदित्यपुर आवास पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। उनके माता पिता के साथ ही मिथिला समाज व आदित्यपुर विकास समिति ने भी सुमित का जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया। यूपीएससी की परीक्षा में 263वां अंक हासिल करने वाले सुमित ठाकुर का रिजल्ट आने के बाद पहली बार अपने घर आदित्यपुर पहुंचे। घर पर उनके माता पिता व परिजनों ने तो उनका स्वागत किया ही, मिथिला समाज की ओर से भी 4 नंबर चौक पर बैंड बाजे के साथ सुमित का नागरिक अभिनंदन किया गया। संस्था की ओर से फूलमाला से स्वागत कर सभी सुमित को लेकर उनके आवास पहुंचे, जहां उपस्थित सुमित की मां नीता देवी अपने पुत्र को देखकर भाव विभोर हो उठी। इसी कड़ी में आदित्यपुर विकास समिति के संयोजक सह पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुमित ठाकुर का गर्वजोशी से स्वागत करने के साथ ही मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित भी किया। इस मौके पर सुमित ठाकुर ने अपने परिजनों व शुभचिंतकों का आभार जताते हुए कहा कि वे शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आदित्यपुर क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूर बेहतर कार्य करेंगे। पूर्व निगम उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि सुमित ठाकुर की इस सफलता में आदित्यपुर का नाम रोशन हुआ है। सबसे पहले मैं सारे अपने परिजन को, यहाँ के हमारे जो लोग भी हमारे समाज के लोग हैं, उनको मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और मुझ पर विश्वास रखा। और सर मेरा जो मेन है, मैं ये चाहता हूँ कि अपने समाज में, अपने आदित्यपुर में, अपने कॉलोनी में, अपने झारखंड में हर एक बच्चा स्वस्थ रहे और वो अपने पूरी जो मूलभूत शिक्षा उसे वो अर्जित कर सके, ताकि वो अपने सफलता को प्राप्त कर सके, किसी भी फील्ड में वो अच्छा कर सके। इस पे मेरा फोकस रहेगा। सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर हम किसी चीज़ को पाना चाह लें तो हम लोग उसको कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि संघर्ष जो है वो कभी भी हमारे सपनों से बड़ा नहीं हो सकता, और हारता वही है जो लड़ता नहीं है। अगर हम लड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे और अपने सपने को जी। सर मैंने पहले अपने प्रथम प्रयास में ही मैं इंटरव्यू तक गया था। उस टाइम पे 3 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ था और घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मेरे मामा जी का स्वर्गवास हो गया था, तो उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि काफ़ी अब मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैंने तीसरे प्रयास में अच्छे रैंक के साथ मैंने इस एग्जाम को पास किया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।